क्या आप जानते हो जापान ने अपनी सैनिकों के रक्षा करने के लिए कैप्टन अमेरिका जैसे आर्टिफिशियल शील्ड बनवाया है और एक ऐसा देश है जहां गायों को वियर सेट्स पहनाया जाता है। क्यों पहनाया जाता है यह आप आगे जानोगे। और अगर आप हिंदू हो तो आपको तो ये पता ही होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं, लेकिन क्या आप कभी इन 33 करोड़ देवी देवताओं को देखे हो? नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। सो ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 10, आप सभी होटल या रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करने अवश्य जाते होंगे और ये भी देखा होगा कि अधिकतर होटल या रेस्टोरेंट लाल, केसरी या फिर पीले रंग में पेंट किए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लाल, पीला या केसरी रंग हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाता है और भूख तेजी से लगता है और इसी का फायदा उठाते हैं रेस्टोरेंट वाले। यही कारण है कि कई रेस्टोरेंट के टेबल चेयर पर रेड टेबल क्लॉथ्स और वॉल पर रेड एक्सेंट लगाते हैं। और यही नहीं, होटल में मिलने वाले फूड्स भी ज्यादा कलरफुल्स होते हैं और इसीलिए हमें होटल के अंदर जाने के बाद ज्यादा भूख लगती है। नंबर 9, हम सभी अपने मोबाइल, फेसबुक, ईमेल आदि का पासवर्ड यूनिक रखते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अधिकांश लोग अभी भी सबसे सिंपल पासवर्ड का उपयोग करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मोस्ट पॉपुलर पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 और लेटर में कुटी, धूप, पासवर्ड और आई लव यू। नंबर 8, अपने बच्चे और माँ की स्पेशल बॉन्ड के बारे में सुना ही होगा। ये फैक्ट जानने के बाद आपके चेहरे में शायद मुस्कुराहट जरूर आएगी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ का कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो फेट में जो बच्चा होता है वो डैमेज ऑर्गन को ठीक करने के लिए स्टेम सेल्स भेजता है और ये स्टेम सेल्स वुमेन के ब्रेन, लीवर, किडनी और लंग्स को भी ठीक कर सकता है ना अमेजिंग। नंबर 7, अगर आपको ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव हाउस कहाँ है तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कोई फॉरेन कंट्री में होगा। नहीं, आपको ये जानकर खुशी होगी ये आइसन घर भारत में ही है और इसके मालिक भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। मुंबई में स्थित इस घर 27 मंजिल का है और 40,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 11,000 करोड़ रुपए है। इस आईसान घर का नाम है एंटीलिया, जो कि एंटीलिया नाम की एक द्वीप का नाम पर रखा गया है। इस घर के अंदर थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम, हेलीपैड, कार गैरेज, कार पार्किंग, वॉल रूम्स, मंदिर और भी काफी कुछ है। नंबर 6, आर्माडिलो एक ऐसा जानवर है जो किसी भी खतरे देखते ही गोल हो जाता है, जिससे कोई जानवर इसका कुछ नहीं कर सकता। इसकी ये बाहरी कवच इतनी मजबूत होता है कि जो खूंखार जानवर होते हैं वो भी इसका कुछ नहीं कर सकते। और यही नहीं, गन से फायर की गई बुलेट भी इसका कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ तो ये जान लो, टेक्सास यूएसए में एक आदमी ने आर्माडिलो को गोली मारने की कोशिश की थी, मगर वो गोली आर्माडिलो की सेल से लगकर रिटर्न हो गया उसी आदमी के ऊपर और वो आदमी सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। शुक्र है वो आदमी बच गया, लेकिन वो 9mm का बुलेट था इसलिए सेल से लगकर रिटर्न हो गया। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ये क्रिएचर बुलेट प्रूफ नहीं है। दरअसल ये जीव के पास कुछ ज्यादा ही लचीलापन सेल है जो केराटिन के फरत से ढके है, जो प्रोटीन बाल, नाखून और सिंग बनाते हैं ना, उसी प्रोटीन कुछ ज्यादा ही आर्माडिलो की कवच में मिलता है। बस ये जान लो कि उनका सेल एक हार्ड सेल्ड सूटकेस जितना स्ट्रांग होता है। नंबर 5, क्या आप जानते हो कि आप हमेशा अपनी नाक को देख रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी नाक को इतने सालों से देख रहे होते हैं कि आपका दिमाग अब इस बात को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए आम जिंदगी में नाक आपके नजर के आगे नहीं आती। अभी आप अपनी नाक को जबरदस्ती देखना बंद कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 4, एक इंसान जितना ज्यादा तेज होता है ना उसकी हैंडराइटिंग उतनी ज्यादा गंदी होती है। अब ये वाला फैक्ट सुनकर आप जानबूझकर गंदी हैंडराइटिंग करना शुरू मत कर देना। देखो, फैक्ट ये है कि जो लोग जीनियस होते हैं ना उनके पास अच्छी हैंडराइटिंग के लिए उतना टाइम नहीं होता। वो ज्यादातर समय किसी नए चीज को खोजने या फिर सीखने में लगा देते हैं। उनके लिए हैंडराइटिंग उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। नंबर 3, जम्मू शहर में स्थित रघुनाथ मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यह मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख और अनोखे मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी और देवताओं की लिंगम भी बने हैं, जो मंदिर में एक इतिहास है। इस मंदिर का निर्माण 1857 में महाराजा रणवीर सिंह और उनके पिता महाराजा गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी मौजूद है। नंबर 2,
अब लोगों ने VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा या फिर यूज भी किया होगा, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इंसान ही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल गाय भी कर रहे हैं। दरअसल वहाँ पर रशिया में गायों के लिए स्पेशली VR सेट्स को बनाया गया है जो उन्हें पहनाया जाता है और उसके अंदर एक वीडियो चलाया जाता है और 24 आवर्स के लिए, जिसमें उनको ये भ्रम पैदा किया जाता है कि वो बहुत ही ग्रीनरी वाला एरिया में है और बहुत अच्छे एनवायरमेंट में रह रहे हैं। और उसके बाद उन गायों का दूध का यानी मिल्क का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ जाता है। क्यों है ना अमेजिंग, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आना चाहिए। और अगर आप इस बात में सहमत हो तो नीचे कमेंट्स करो, क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं गवर्नमेंट तक भेजूंगा। सो लास्ट नंबर 1, अब लोगों ने कैप्टन अमेरिका की हाथ में शील्ड को तो देखा ही होगा और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती तो बहुत अच्छा होता, ताकि उनके जान को भी बचाई जा सके। देखो बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपनी सैनिकों के रक्षा करने के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना लिए है जो मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया है, जिसे अगर मान लो किसी ने बंदूक लगा दी आपके सामने तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाता है बिना कुछ स्विच दबा के। हाँ हाँ, ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आना चाहिए, इसलिए जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि मैं जल्दी से गवर्नमेंट को भेजूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्या रीति रिवाज है वो भी कर दो लाइक सब्सक्राइब, और यार कर दो सब्सक्राइब। देखो एक सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग फायदा मर होगे, अभी सब्सक्राइब कर दो, जब सब्सक्राइब ज्यादा हो जाएगा ना तब अनसब्सक्राइब कर देना, तुम भी फायदा मैं भी फायदा। रुको रुको, ये एक बोनस फैक्ट है, ये भी जान लो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि आपको क्या कहना है, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस चीज को किसी को कह नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे और लिख भी नहीं पा रहे? वो बात आपके दिमाग में रहता तो है पर आप उससे बाहर नहीं ला पाते। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। तो इसका निशान है एक्सप्रेसिव अफेसिया, जो अभी आपके साथ हुआ है, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो कि वीडियो कितनी अच्छी है और ये कमेंट्स में लिख नहीं पा रहे हो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। क्यों, सही कहा ना?